सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ मिंटो दिया, यू वॉचिंग आई एम डिटेल एंड टब यूट्यूब चैनल। सो बने रहना वीडियो के अंदर, और थंबनेल आपने देखा हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें, और बने रहना वीडियो के अंदर। सो लेट्स रोल इन द वीडियो। Searching for a longer day. People feeling like the light. या मान लो जूनियर हैं जो नहीं आए, उनको नहीं पता हुआ, और लगभग जो कैंपस में है उनको पता भी होगा या कुछ को नहीं पता होगा, जो एक्टिव नहीं रहते इतने। सो जो ये वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता, तो हेल्पफुल होगी उसके लिए वीडियो। और वीडियो के अंदर ये है कि एनेटिक रुक्षेत्रा दो प्रोजेक्ट कर रहा है, और वो बस जल्दी होने वाले हैं। कि फर्स्ट तो ये है कि बाइसिकल्स का, कि एनेटिक रुक्षेत्रा ने क्लेम किया था थोड़े दिन पहले, ये एक या दो महीना हो चुका होगा, ये नहीं पता, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने क्लेम किया था कि 1000 बाइसिकल्स का उन्होंने ये कहा था कि कैंपस के अंदर लाएंगे और उसको व्हीकल फ्री एनवायरनमेंट बनाएंगे। एनर्टिक रुक्षेत्रा को उसके अंदर कुछ व्हीकल नहीं चलेगी, ओनली साइकिल चलेंगी, और तो ये एक अच्छी बात है साइकिल्स का। और वो है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि वो है बाइक्स हो या व्हीकल्स हों, उनमें वो पोल्यूशन होता है और हार्म भी करता है इन्वायरमेंट को। सो ये एक सही भी है बाइसिकल्स का, और वैसे कोई एडवांटेज यही है कि स्पीड लिमिट होएगी। अंदर वो है कि एक डेस्टिनेशन से मान लो दूसरी डेस्टिनेशन जा रहा है कोई बंदा, सो उसको वो चला गया यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट पे कोई बंदा होगा तो उस स्पॉट पे से इस स्पॉट पे जाना, वो साइकिल वहाँ पर छोड़ देगा, फिर बाद में वो लेके जाएगा, मे बी ऐसा होगा। और 1000 बाइसिकल्स बहुत इनफ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मान लो कैंपस के अंदर बीटेक की बात करें, सो मे बी 4000 बच्चे होंगे पूरे 4 साल के, और तो ये मान के चले तो हर एक बाइसिकल पर 4 बंदों का होगा, मतलब सही है काम चलने के लिए। और दूसरी बात ये है कि एनर्टिक क्षेत्रा रिसेंटली अब स्मार्ट कार्ड बना रहा है, किसके लिए, स्टूडेंट की आईडी पर। और इससे क्या होगा कि जो आप पेमेंट करते थे या जिन जो जूनियर्स को तो नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ पर एनआईटी के अंदर कुछ भी परचेज करना हो इनसाइड द एनआईटी कुरुक्षेत्रा, सो उसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या कुछ भी अदर ऐप्स जो ट्रांजेक्शन में आती है वो हम यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, और अपनी सेमेस्टर फीस या एजुकेशन फीस, अदर एक्टिविटीज़ जो अकेडमी सेक्शन से रिलेटेड या और भी अपने एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, वो हम सारी इन जी ऐप से करते हैं। लेकिन उन्होंने अब क्या कर रहा है कि वो एक स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं हर एक स्टूडेंट की आईडी पर, वो क्या करेंगे, उस स्मार्ट कार्ड से पेमेंट सब चीज़ें होंगी। और जैसे हम कुछ परचेज कर रहे हैं कुछ भी सामान, तो वो क्या आएगा मार्केट के अंदर या किसी भी शॉप पर जो इनसाइड द एनआईटी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो स्वाइप अप किया जाएगा, जैसे हमारे एटीएम कार्ड होता है, तो उसको स्वाइप अप करने के बाद ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, जैसे फास्टैग होता है या ऐसे स्मार्ट कार्ड्स यूज़ होंगे आईडी के लिए। सो एक इसका बेनिफिट मेरे को तो अच्छा ये लगा कि मान लो बाहर के कोई आ जाता है, मान लो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का या बाहर का कोई भी आ जाता है बंदा, तो वहाँ पर परचेज़ कर पाता है वो फ़ोन से या कुछ भी कर सकता है, वहाँ पर कोई भी खा सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन बाद में क्या होगा, ओनली एनआईटी के स्टूडेंट्स ही वहाँ पर अलाउड होंगे पेमेंट के लिए। सो सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा कि और बच्चा कोई इंटर बच्चा इंटरफेयर नहीं कर पाएगा ये मार्केट के अंदर या और किसी, मतलब सोसाइटी जो मतलब इस मार्केट के अंदर, क्योंकि वे एक वो बात भी है कि एनआईटी वाले बच्चों का ही है ये सारा सामान, और एक चीज़ से इससे थोड़ा कुछ रिलीफ होएगा कि बाहर वाले आना बंद कर देंगे अंदर। सो एक मेरे को बहुत प्लस पॉइंट लगा ये इस प्रोजेक्ट का। और तो क्या यही है कि इसमें सब स्मार्ट कार्ड्स यूज़ होएगा, वैसे तो पेमेंट सेम एक जैसी होती है, ऑनलाइन कर लो या वैसे कर लो, बस वो है। अब पता नहीं क्या प्रोजेक्ट है उनका, पीछे का क्या रीज़न है, लेकिन ये पता है कि एक स्मार्ट कार्ड आने वाला है, और मे बी उसमें कुछ और वेरिएशंस आएंगी, जैसे मे बी शायद बाइसिकल्स के चार्जेस ना भी लगें और मे बी लगें, पता नहीं इस चीज़ का। सो आपको वैसे तो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पता था वो इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद उसको कैसा लगा, और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट लाता रहूँगा।
और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तो मैंने बोल दिया, सॉरी अब दोबारा नहीं बोल रहा। सो आपको कंटेंट कैसा लगा और आपको वीडियो कौन सी चाहिए नेक्स्ट, कमेंट ड्रॉप जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Savannah, I'm coming home, Savannah.